नमस्कार, आप सभी का यू सर की इस व्याख्यान माला में पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको एक ऐसे विज्ञान, रसायन विज्ञान के ऐसे विषय से परिचित कराना चाहेंगे जिसके विषय विशेषज्ञ आज हमारे बीच में हैं, डॉक्टर शशांक शर्मा जी। आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के JMIETI संस्था में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से MSc और साथ ही साथ सेंट जॉन्स कॉलेज, जो बहुत ही माना हुआ कॉलेज है आगरा यूनिवर्सिटी का, उससे आपने PhD प्राप्त की है। साथ ही साथ आपका जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो हैवी मेटल पॉल्यूशन की जो एनालिसिस करते हैं, मेटल कॉन्टामिनेशन देखते हैं सॉइल्स में, वाटर में, आपकी उसमें विशेष एक्सपर्टीज है। साथ ही साथ आपका जो इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिसिस है, जो आपका अनुभव है, वो HPLC, HPTLC, AAS, UV विजुअल स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, फिल्म फोटोमीटर, कलरीमेट्री आदि आदि तमाम विधाएं साइंस की जो बच्चों के लिए, हमारे लिए MSc और MSc के बाद वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, उसमें सर को विशेष महारत हासिल है। बच्चों, रसायन विज्ञान एक जटिल विषय हालांकि बच्चे मानते हैं, लेकिन इतना जटिल नहीं है। अगर उसे हम रचनात्मक तरीके से, रोचक ढंग से अगर सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी क्रम में आज हमारे जो डॉक्टर शशांक शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो आपको भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री की उन विधाओं से अवगत कराएंगे, उन विषयों से अवगत कराएंगे जो आपको बहुत जटिल लगते थे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं डॉक्टर शशांक शर्मा जी का अपने आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, आपको डॉक्टर साहब भी अपने जो आपका व्याख्यान है उसे अवगत कराएंगे, तो आप यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है, थर्मो एंड डायनामिक्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, थर्मो मीन्स हीट और डायनामिक्स मीन्स मोशन। तो अगर हम इन दोनों शब्दों को मिला के अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें, तो हम कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम हीट की स्टडी करते हैं, लेकिन हीट की स्टडी तब करते हैं जब वो मोशन में होती है। तो इट इज अ काइंड ऑफ स्टडी ऑफ हीट इन मोशन। तो जब हीट एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो होती है, उस समय जो हम स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जिन दो चीजों के बीच में स्टडी हम लोग करते हैं वो होता है सिस्टम और सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम को समझ लेते हैं। सिस्टम क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो हमारे इंटरेस्ट में हो, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे ऑब्जर्वेशन में हो, एनीथिंग विच इज अंडर आर कंसिडरेशन और आर ऑब्जर्वेशन विल बी कॉल्ड एज सिस्टम। मान लीजिए, सपोज अगर हमारी स्टडी हम इस मार्कर के ऊपर कर रहे हैं, तो ये हमारा सिस्टम हो जाएगा। कोई भी चीज जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो हमारा सिस्टम होता है। और इस सिस्टम को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है वो उसका सराउंडिंग होगा। तो आइंस्टाइन जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनके द्वारा कहा गया एक कथन है कि मुझे छोड़ के मेरे आसपास जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा सराउंडिंग है। एक्सेप्ट मी, एवरीथिंग विल बी माई सराउंडिंग। तो ये आइंस्टाइन के द्वारा कहा गया है। तो सिस्टम को हम कई भागों में बांट सकते हैं वैसे तो, बट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वी कैन क्लासिफाई सिस्टम इन टू कैटेगरीज, होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम। लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो सिस्टम है वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होना चाहिए। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दो अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं, लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक है, जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, उन उस टाइप के सिस्टम्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं? जिसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। और हेट्रोजीनियस सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम नहीं होती। तो इस तरीके से हम सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिस्टम जनरली तीन टाइप का होता है। पहला इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। जैसा कि आपने
प्लस टू में भी पढ़ा होगा, सिस्टम को तीन भागों में भी बांटा जा सकता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज कर सकता है। कोई भी ऐसा सिस्टम जो एनवायरनमेंट के साथ, अपनी सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज कर सके, इस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, जितने भी लिविंग पार्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सारी सारे के सारे ओपन सिस्टम है। क्योंकि जब हम लोगों को पसीना आता है तो हमारे अंदर से एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। व्हेन वी स्वेट, एटीपी मॉलिक्यूल्स विल बी रिलीज्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी जो है वो, जब भी हम किसी ठंडी जगह जाते हैं तो हमारी बॉडी उस ठंडे एनवायरमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करती है, और जब हम किसी गर्म जगह जाते हैं तो हमारी बॉडी उस जगह के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है। तो ओपन सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी। इसके बाद क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम आर दोज सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी नॉट मैटर। मतलब क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो एनर्जी तो एक्सचेंज कर सकते हैं एनवायरमेंट के साथ, लेकिन मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल क्या है? जो हमारे थर्मल फ्लास्क होते हैं, सील्ड फ्लास्क जो होते हैं, वो सारे के सारे क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। आइसोलेटेड सिस्टम, वैसे प्रैक्टिकली कोई भी सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता। कोई भी सिस्टम कहीं पे भी होगा, उसका कुछ ना कुछ एनवायरमेंट तो होगा, कुछ ना कुछ उसकी सराउंडिंग होगी। तो जहां सराउंडिंग होगी उसकी, तो वो अपनी एनर्जी का कुछ ना कुछ एक्सचेंज जरूर करेगा। अगर सराउंडिंग में एनर्जी ज्यादा है तो सिस्टम के अंदर आनी शुरू हो जाएगी, और अगर सिस्टम के अंदर एनर्जी ज्यादा है तो सराउंडिंग में जानी शुरू हो जाएगी। तो इन रियल वर्ल्ड देयर इज नो सिस्टम विच कैन बी कंसीडर्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। बट फिर भी बाय डेफिनेशन हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है, आवर यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स है, ये आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर किया जा सकता है। क्योंकि यूनिवर्स जो है वो अनंत है, उसका कोई सराउंडिंग नहीं है, उसका कोई एनवायरनमेंट नहीं है। बाय डेफिनेशन ऐसा मान सकते हैं, वी कैन अप्रोक्सीमेट ओनली, बट प्रैक्टिकली देयर इज नो सिस्टम विच कैन बी कंसीडर्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो थर्मोडायनेमिक स्टडी है, वो थर्मोडायनेमिक स्टडी जो है वो बेसिकली बेस्ड है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के ऊपर। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, जनरली दो टाइप की होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा जो है वो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो मास डिपेंडेंट होती हैं, जो मास के ऊपर डिपेंड करती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड नहीं करती, मास इंडिपेंडेंट, मास पे डिपेंड नहीं करती, मास इंडिपेंडेंट। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मैक्रोस्कोपिक में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज ये कोई बॉक्स है हमारा, इसका जो टेम्परेचर है वो टी है। मान लीजिए टी टेम्परेचर है इस बॉडी का, कोई मेटल बॉडी है, इसका टेम्परेचर टी है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको आधा कर दिया, हाफ कर दिया, किसी तरीके से हमने इसको आधा आधा दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो क्या इसका टेम्परेचर टी बाई टू हो जाएगा? इसका टेम्परेचर टी बाई टू हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। अगर हम उसको आधा आधा कर देंगे, तब जो ये वाला पार्ट है, इसका टेम्परेचर भी टी रहेगा, उसका टेम्परेचर भी टी रहेगा। अगर ये मेटल बॉडी है हमारी और इसको हम आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दें, तो वो दोनों पार्ट जो है उनका टेम्परेचर जो है वो टी और टी ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जब मॉलिक्यूल आधे आधे हो गए, आधे मॉलिक्यूल इधर चले गए, आधे मॉलिक्यूल इधर चले गए, आधा मास इधर आ गया, आधा मास इधर चला गया, बट टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये टेम्परेचर जो है मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है,
तो टेम्परेचर विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से प्रेशर हो गया आपका, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो मास पे डिपेंड करती हैं? जैसे मान लीजिए एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, जो मास पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितने कम मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी एनर्जी कम होगी। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो हो गया एक तो इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी एटसेट्रा। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टेट। देर आर टू टर्म्स विच आर जनरली यूज इन थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट इज स्टेट एंड सेकेंड वन इज पाथ। इन दोनों से रिलेटेड जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस। दोनों फंक्शंस का थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा यूज है। तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि स्टेट और पाथ होता क्या है। सबसे पहले तो हम ये समझें कि स्टेट क्या होती है। स्टेट एक ऐसी अवस्था है जिसमें सिस्टम को रखा जाता है। बेसिकली स्टेट इज अ कंडीशन इन विच द सिस्टम इज केप्ट। मतलब ऐसी अवस्था जिसमें सिस्टम को रखा जाए, उस अवस्था को, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टेट। जैसे मान लीजिए किसी भी सिस्टम, मान लीजिए ये कोई एक सिस्टम है, इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इसका वॉल्यूम इतना है, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है। एक सिस्टम है जिसको हमने पी प्रेशर पे रखा हुआ है, वी वॉल्यूम पे रखा है, टी टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो इसकी जो कंडीशंस है, इन कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं स्टेट। मान लीजिए थोड़ी देर के बाद, पहले स्टार्टिंग में P1, V1, T1 है, आफ्टर सम टाइम इट विल बी P2, V2, T2। इसका मतलब क्या है कि इसकी स्टेट जो है वो चेंज हो गई। तो स्टेट जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें उस सिस्टम को रखा जाता है, और इस स्टेट को डिफाइन करने के लिए जिन फंक्शंस को यूज किया जाता है, उन फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शंस, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन के सबसे अच्छा एग्जांपल जो है, स्टेट फंक्शन जो जनरली ऐसे फंक्शन जो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये स्टेट फंक्शंस के एग्जांपल हैं। इसके अलावा एनर्जी, ये भी स्टेट फंक्शन का एग्जांपल है। पाथ फंक्शन आर दोज फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन पाथ। पाथ फंक्शंस डिपेंड्स अपॉन पाथ। इसका एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वर्क और हीट। ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। तो अब हम लोग समझेंगे कि वर्क और हीट में क्या रिलेशन होता है, वर्क और हीट एक्चुअली होते क्या है। अब हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि हीट होती क्या है। मानव इतिहास में दो सबसे बड़ी घटनाएं हुई हैं। सबसे पहली घटना तो एक वो हुई थी कि जब फायर का इन्वेंशन हुआ, जब लोगों ने जानने को उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि अपना भोजन कैसे बनाया जाए। आग को कैसे इन्वेंट किया उन्होंने, और आग को इन्वेंट करने के बाद उन्होंने अपना भोजन बनाना शुरू किया। और जब भोजन बनाने के बाद धीरे धीरे वो कंसोलिडेट हो गए, एक जगह रहना शुरू हुआ, फिर सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, धीरे धीरे गांव, शहर और समाज का निर्माण हुआ। एक तो वो घटना थी जो फायर इन्वेंशन से जुड़ी हुई है। दूसरी घटना वो थी कि जब स्टीम जनरेशन हम लोगों ने की 18th सेंचुरी में आके,
तो उससे बहुत सी आप देखेंगे कि 18 सेंचुरी में आके बहुत सारे देशों की जो जीडीपी है वो ड्रास्टिकली काफी चेंज हुई। उस इन दोनों केसेस में हीट का रिलेशन है, फायर इन्वेंशन में भी और स्टीम जनरेशन में भी। लेकिन स्टीम जनरेशन के टाइम तक भी हमें ये नहीं पता था कि हीट एक्चुअली होती क्या है। लोगों को पता था कि हीट तो है, लेकिन हीट एक्चुअली है क्या वो उसको डिफाइन ही नहीं करो। हीट का मतलब समझते थे कि शायद टेम्परेचर होगा, बट हीट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। हीट फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज जो हमें समझ लेनी है वो ये है कि हीट कोई एंटिटी नहीं है। हीट इज नॉट एन एंटिटी। जैसे टेम्परेचर और प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब एंटिटी है। इस तरीके से हीट जो है कोई एंटिटी नहीं है, हीट इज अ प्रोसेस। हीट कोई एंटिटी नहीं है, हीट एक प्रोसेस है। और प्रोसेस कब होती है? प्रोसेस तब होती है जब कोई भी चीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ ट्रेवल कर रही है। उसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इट विल गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर फॉर्म। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीट। हीट इज अ प्रोसेस। अब इसको और एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मान लीजिए सपोज एक वेसल है जिसमें कुछ पानी रखा हुआ है हमने और उसको थोड़ी सी हीट देनी शुरू की है। देयर इज अ वेसल एंड वी आर गिविंग सम हीट टू दिस सिस्टम। तो सबसे पहले क्या होगा, जब हम इसको नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें ऊपर पानी रखा हुआ है वेसल में, सबसे पहले क्या होगा, जो बॉटम के मॉलिक्यूल्स हैं, द मॉलिक्यूल एट बॉटम लेवल विल गेट सम एनर्जी फ्रॉम दिस आउटर सोर्स। जो बॉटम लेवल के मॉलिक्यूल्स हैं सबसे पहले वो क्या करेंगे, इस आउटर सोर्स से एनर्जी को गेन करेंगे, और एनर्जी को गेन करने के बाद उनकी इंटरनल एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज होगा क्योंकि उन्होंने बाहर से एनर्जी ले ली। तो जब बाहर से एनर्जी लेगी तो उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जब उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, अपनी जगह से वाइब्रेट करना शुरू करेंगे ऊपर नीचे, क्योंकि उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ चुकी है। तो जैसे ही वो वाइब्रेट करेंगे अपने से जस्ट ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल होगा उससे कोलाइड करेंगे, उससे टकराएंगे, और जब उससे टकराएंगे कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने से क्या होगा कि अपनी जो बढ़ी हुई एनर्जी है उसका कुछ पार्ट इस ऊपर वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेंगे। तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो इसकी भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और जब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो ये भी अपनी जगह से वाइब्रेट करना शुरू करेगा, और जब ये भी अपनी जगह से वाइब्रेट करना शुरू करेगा तो अपने से ऊपर वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा और अपनी बढ़ी हुई एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो उस ऊपर वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद एक चेन ऑफ कोलाइजन विल स्टार्ट, धीरे धीरे करके आप थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं ये भी गर्म होने शुरू हो जाते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड होल सिस्टम विल बी हीट अप। तो उससे क्या होगा, बट अगर आप इसको टेक्निकली ऑब्जर्व करें, अगर आप इसको टेक्निकली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि it is a collision between molecule and molecule. आप देखेंगे कि technically it is a collision between molecule and molecule. इस केस में हम लोग कहेंगे कि भाई हमने पानी को हीट अप कर दिया है, पानी को हीट दे दी, गर्म कर दिया, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर हम टेक्निकली इसको ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कोलाइजन हो रहा है। एक दूसरे केस को हम लोग देखते हैं कि सपोज मान लीजिए जैसे आप लोग ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं, तो ग्राउंड में जब हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल को जब किक मारते हो आप, तो फुटबॉल को जब आप किक मारते हैं तो फुटबॉल काफी दूर चली जाती है। टेक्निकली अगर आप इसको भी ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि इट इज ऑल्सो अ कोलाइजन, इट इज अ कोलाइजन बिटवीन लेग एंड फुटबॉल। बट इस केस में आप ये नहीं कहेंगे कि आपने फुटबॉल को हीट दे दी इसलिए वो आगे चला, ठीक है, इस केस में भी टेक्निकली कोलाइजन हो रहा है, यहां पे भी कोलाइजन हो रहा है, लेकिन इस केस में आप कहेंगे कि आपने वाटर को हीट दे दी, आपने वाटर को गर्म कर दिया, लेकिन इस केस में आप ये नहीं कहेंगे कि आपने फुटबॉल को हीट दे दी, ये भी कोलाइजन है, ये भी कोलाइजन है, लेकिन इस केस में हम लोग कहेंगे कि हमने फुटबॉल के ऊपर कुछ वर्क किया। ऐसा क्यों?
ऐसा ऐसी है कि वेन एट मैक्रो लेवल इट विल बी कंसीडर्ड एज वर्क, दिस कोलाइजन विल बी कंसीडर्ड एज वर्क, बट एट माइक्रो लेवल इट विल बी कंसीडर्ड एज हीट, बट टेक्निकली बोथ आर कोलाइजन, टेक्निकली दोनों कोलाइजन है, यहां पे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का कोलाइजन है और यहां पे जो कोलाइजन हो रहा है वो लेग और फुटबॉल के बीच का कोलाइजन है, बट वेन वी कंसीडर्ड एट मैक्रो लेवल, जब हम बड़े लेवल पे बात करते हैं, मैक्रो लेवल के पे बात करते हैं, तो वही कोलाइजन जो होता है वो हमारा क्या बन जाता है, वर्क, और जब माइक्रो लेवल पे जब बात होती है तो हम लोग तो वही कोलाइजन जो है इट विल बी कंसीडर्ड एज हीट, इसीलिए दोनों की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल, हीट और वर्क, दोनों की जो यूनिट है दैट इज जूल, जूल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ओके। सो नाउ इस सभी के बीच में एक पॉइंट और है जिसको मैं डिस्कस करना बहुत जरूरी, मैं समझता हूं बहुत जरूरी है, जो स्टेट फंक्शन से ही जुड़ा हुआ है, मान लीजिए सपोज देयर आर टू पॉइंट्स, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ये दो स्टेट हैं। अब कोई भी सिस्टम जो है वो ए स्टेट से बी स्टेट की तरफ जाता है और आफ्टर सम टाइम इट विल बी कमिंग बैक फ्रॉम बी टू ए, सिस्टम ए से बी की तरफ जाता है और फिर बी से ए की तरफ आता है। तो ये जो ए से बी पे जाना है, ट्रैवलिंग जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ये जो ट्रैवलिंग है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस जनरली, प्रोसेस को अगर हम लोग डिफाइन करने लगे तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकंड इज आइसोबैरिक प्रोसेस, थर्ड इज आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड लास्ट वन इज साइक्लिक प्रोसेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स हीट, सेम टेम्परेचर, इट मीन्स डेल्टा टी विल बी जीरो इन दिस केस। आइसो मीन्स सेम, बैरिक, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, सो इन दिस केस डेल्टा पी विल बी जीरो, सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, मतलब इस टाइप की प्रोसेसेस में टेम्परेचर जो होता है वो सेम होता है, अगर ए पे टेम्परेचर टी है तो यहां पे भी टेम्परेचर टी होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस में यहां अगर प्रेशर पी है तो यहां पे भी प्रेशर पी होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, सेम कोर मीन्स वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम, इट मीन्स डेल्टा वी विल बी जीरो, डेल्टा टी का मतलब है टी टू माइनस टी वन, टेम्परेचर डिफरेंस, दिस इज पी टू माइनस पी वन, वी टू माइनस वी वन। एडियाबेटिक प्रोसेस, इन दिस केस डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन हीट इज इक्वल टू जीरो, एंड साइक्लिक प्रोसेस इन विच, साइक्लिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच इनिशियल स्टेट इज रीस्टोर्ड, इनिशियल स्टेट जो है वो रीस्टोर्ड है। इसके अलावा प्रोसेस को एक और दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई किया जा सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड सेकंड वन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और थर्मोडायनेमिक्स में कई जगह इनका इस्तेमाल होता है, बट टेक्निकली इसको समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए सपोज मैंने इस डस्टर को यहां रखा हुआ है,
ये ए पॉइंट है, इसको ए पॉइंट से मैंने डिस्प्लेस करके यहां तक ले गया बी पॉइंट तक, और उसको दोबारा फिर मैं ए पॉइंट तक लेके आया। तो क्या मैं इस प्रोसेस को मान सकता हूं कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है? क्योंकि बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो इनिशियल स्टेट शुड बी रीस्टोर्ड, इनिशियल स्टेट जो है वो हमारी रीस्टोर होनी चाहिए कि भाई जहां से चले वहीं वापस आए, साइक्लिक प्रोसेस तो यही कहती है। रिवर्सिबल प्रोसेस भी ऑलमोस्ट उसकी डेफिनेशन यही होनी चाहिए कि भाई जहां से चले वहीं वापस आ जाए, तो उस टाइप की प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। तो क्या इस केस को, इस चीज को हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि भाई यहां से हम चले और यहां तक जाने के बाद हम उसको वापस हमने यहां लेके आ गए, तो क्या इस प्रोसेस को हम मान सकते हैं कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है? नहीं, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि प्रैक्टिकली कोई भी सरफेस जो है वो प्लेनर नहीं होता। ये जो टेबल है मैक्रो लेवल पे अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि बहुत स्मूथ है, लेकिन जब अगर हम इसको माइक्रोस्कोपी से देखेंगे, माइक्रो लेवल पे अगर हम इसको देखें, तो हम पाएंगे कि इसका जो सरफेस है दैट विल नॉट बी स्मूथ, इट विल बी हैविंग सम जिगजैग पैटर्न लाइक दिस, ओके। और ये जो डस्टर है इसका पैटर्न भी स्मूथ नहीं है। ये नीचे जो है ये टेबल है और दिस इज डस्टर, ठीक है। तो इसका सरफेस भी प्लेनर नहीं है, इसका सरफेस भी प्लेनर नहीं है। तो जब दो रफ सरफेस एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मास लॉस होगा, देयर विल बी सम मास लॉस, तो इन दिस केस वन स्टेट फंक्शन दैट इज पोजिशन दैट इज एक्वायर्ड आफ्टर सम टाइम, मतलब एक स्टेट फंक्शन जो है हमारा पोजिशन वो हमने एक्वायर कर लिया कुछ देर के बाद, मतलब ए से बी की तरफ गए और फिर बी से हम ए की तरफ आ गए। तो एक स्टेट फंक्शन जो है हमारा पोजीशन उसको तो हमने एक्वायर कर लिया, बट अनदर स्टेट फंक्शन दैट इज मास, लेकिन जो दूसरा स्टेट फंक्शन है मास वो पूरी की पूरी जो है वो एक्वायर नहीं कर पाए, सम फ्रैक्शन ऑफ मास विल बी लॉस्ट, क्योंकि ड्यू टू सम फ्रैक्शन, दो रफ मटेरियल है, दो रफ सरफेसेस है, एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे तो कुछ ना कुछ मास लॉस जो है होगा, फ्रैक्शन ऑफ मास होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा होगा अमाउंट में, बट कुछ ट्रेसेस ऑफ मास, कुछ सम फ्रैक्शन ऑफ मास विल बी लॉस्ट, सो दैट दिस प्रोसेस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली इन रियल वर्ल्ड देयर इज नो प्रोसेस विच कैन बी कंसीडर्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रैक्टिकली कोई भी प्रोसेस ऐसी नहीं होती है जिसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस मान सके, लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जिनको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल हो सकती है, इसको एज्यूम कर सकते हैं। वी कैन ओनली एज्यूम, वी कैन ओनली अप्रोक्सीमेट सम प्रोसेसेस एज रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस ऐसी हो सकती है जिनको हम लोग रिवर्सिबल या रिवर्सिबल प्रोसेस मान सकते हैं? तो ऐसी प्रोसेस जो कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम ले, बहुत धीमे धीमे हो, ठीक है, इस टाइप की प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज देयर इज अ सिस्टम हैविंग मासलेस मूवेबल पिस्टन। जब भी मैं सिस्टम की बात करूं तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत एक चीज आनी चाहिए कि एक सिलेंडर है जिसमें एक मासलेस मूवेबल पिस्टन लगी हुई है जो ऊपर नीचे जा सकती है, और इस सिलेंडर के अंदर एक आइडियल गैस भरी हुई है। व्हेन आई एम सेइंग सिस्टम, one thing should keep into your mind that there will be a cylinder having massless movable piston and inside that cylinder one ideal gas is kept, ठीक है ना, इसके अंदर गैस है और एक massless movable piston है जो ऊपर नीचे जा सकते हैं। अब मान लीजिए सपोज मैंने इसके ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर एक डस्ट पार्टिकल रख दिया, एक सैंड पार्टिकल रख दिया, तो क्या इस पिस्टन के ऊपर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ रहा है। एक और सैंड पार्टिकल रख देते हैं मान लीजिए, कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद एक और रखा, एक और, ऐसे करके मैं एक एक सैंड पार्टिकल जो है वो इसके ऊपर मैं रखता चला जा रहा हूं, लेकिन इस पिस्टन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। बट आफ्टर सम टाइम व्हेन दिस अमाउंट विल बी कंसीडरेबल, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये अमाउंट जो है कंसीडरेबल हो जाएगी, जब थोड़ी ज्यादा सी मात्रा हो जाएगी, तो जो पिस्टन है वो धीरे से आराम से थोड़ा सा शिफ्ट होगी नीचे की तरफ।
सर हमने क्या किया, धीरे धीरे करके मैंने इस पिस्टन के ऊपर जो ये जो डस्ट पार्टिकल है एक एक करके मैंने हटाना शुरू किया, तो पिस्टन पे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब ये कंसीडरेबल अमाउंट इस पे से हट जाएगी तो पिस्टन आराम से फिर दोबारा से अपनी उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है इट विल बी अप्रोक्सीमेटेड एज रिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट, इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा समय ले रही है कंप्लीट होने में, है ना, इनफाइनाइट टाइम ले रही है, बहुत धीमे धीमे हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकती है। बट अगर इस केस को भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो वॉल होगी ये भी सरफेस जो है ये भी प्लेनर नहीं होगा, इसमें भी जिगजैग होगा। इसको एक और दोबारा से दूसरे तरीके से समझते हैं, इसका जो सरफेस है ये भी प्लेनर नहीं होगा और जो ये पिस्टन है हमारी इसका सरफेस भी प्लेनर नहीं है। तो यहां जब ये पिस्टन नीचे और ऊपर जाएगी तो सम फ्रैक्शन ऑफ मास विल ऑल्सो बी रिलीज्ड, विल ऑल्सो बी लॉस इन दिस केस ऑल्सो। क्योंकि ये बहुत ज्यादा समय ले रही है इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल मान सकते हैं, बट इस केस में भी कुछ ना कुछ मास लॉस तो होगा। ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस जिसको हम लोग रिवर्सिबल मान सकते हैं, ऐसी प्रोसेस जो बहुत ज्यादा समय कंप्लीट होने में लेती है, उनको हम लोग सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम लोग मान सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसके बाद जो टॉपिक है हमारा दैट इज द की पॉइंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इसका उपयोग कहां कहां किस किस जगह होगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इंटरनल एनर्जी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिस्टम के अंदर बहुत तरीके की एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी हमारी, रोटेशनल एनर्जी है, ट्रांसलेशनल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और भी अलग अलग टाइप की एनर्जीज होंगी। तो अगर हम इन सभी को मिला दें, अगर ये सारी टाइप की एनर्जी को कंबाइन कर दें तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम। इसको हम लोग जनरली आप लोग देखेंगे ई और यू से, कैपिटल ई और कैपिटल यू, कई टेक्स्ट बुक में कैपिटल ई से डिनोट किया होगा, कई जगह आपने देखा होगा कि कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। बट एक चीज जो हमें समझ लेनी है वो ये है कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को मेजर करना इतना आसान नहीं है। इट इज वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई और मेजर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट्स वाई वी ऑलवेज यूज डेल्टा यू और डेल्टा ई। लेकिन हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, डेल्टा ई डेल्टा यू। बहुत आसान नहीं होता, किसी भी सिस्टम के अंदर कौन सा चेंज हो रहा है, ट्रांसलेशनल चेंज है, वाइब्रेशनल चेंज है, रोटेशनल चेंज है, तो एट वन पर्टिकुलर मोमेंट उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, दैट विल बी डिफाइंड एज डेल्टा ई और डेल्टा यू। इसकी जो यूनिट होती है दैट इज ऑल्सो इन जूल, वन जूल इज इक्वल टू वन किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे जूल को ऐसे याद रखा जा सकता है कि जो हमारी हार्ट बीट होती है, इन एवरी हार्ट बीट ईच हार्ट बीट विल कंज्यूम जनरली कंज्यूम्स वन जूल ऑफ एनर्जी। तो हर एक हार्ट बीट में एक जूल एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। तो ऐसे हम लोग उसको याद रख सकते हैं कि एनर्जी
कि जो यूनिट है जूल होती है, और एक जूल एनर्जी जो है वो हमारी हर हर्ट बीट में कंज्यूम होती है। और एक जूल को अगर हम दिखाना चाहें तो 1 joule = 1 kg/m²/s। इंटरनल एनर्जी जो है ये कई जगह हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जो भी अलग अलग हमारे टर्म्स रहेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मेनली इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो एप्लीकेशंस है इंटरनल एनर्जी की, वो इन चार टर्म्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। और विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ इंटरनल एनर्जी, विदाउट हैविंग द बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनल एनर्जी, वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में जानकारी हुए बिना हम लोग इन चारों टर्म्स को नहीं समझ सकते। एक चीज हमें जो समझ लेनी चाहिए वो ये है कि एनर्जी की एक अपनी नेचर होती है, एक बेसिक नेचर एनर्जी का, कि एनर्जी एक जगह कंसोलिडेट होकर नहीं रह सकती, उसको जहां भी जगह मिलेगी वो डिफ्यूज होगी, स्प्रेड आउट होगी या डिस्पर्स होगी। जैसे इसको हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज देयर इज अ चैम्बर हैविंग टू हाफ्स। मान लीजिए एक रूम है, इसमें दो हाफ हैं और एक हाफ में तो गैस भरी हुई है, ठीक है, एक रूम में गैस भरी हुई है और दूसरा रूम जो है वो बिल्कुल खाली है। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अगर हम मान लीजिए इसको ओपन कर दें, तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, कोई वाल्व ओपन कर दिया, तो ये जो गैस है वो इधर मूव करनी शुरू हो जाएगी। ये एनर्जी का नेचर है, इसी तरीके का नेचर होता है कि जैसे ही उसको जगह मिलती है वहां वो मूव करना शुरू कर देती है। तो या तो वो डिस्पर्स होगी या स्प्रेड आउट होगी या डिफ्यूज होगी। और ये डिफ्यूजन कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों में इक्विलिब्रेशन या इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए, ठीक है, ये तब तक चल रहा। तो ये एक एनर्जी का बेसिक नेचर है, और इसी नेचर को ध्यान में रखते हुए हम इन चारों टर्म्स को आगे डिफाइन करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। सो नाउ कम टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अच्छा, एक चीज हमें समझनी होगी यहां पे कि थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी लॉ हैं इनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, दे ऑल आर बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ये सारे के सारे जो है वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, इनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी कहा जाता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। मतलब कहने का ये है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट एक फॉर्म एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग ओवरऑल होल एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है, या तो सिस्टम में रहेगी या सराउंडिंग में रहेगी, ठीक है। एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना लॉस्ट कर सकते। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम उसका देना चाहें, तो मान लीजिए सपोज क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज गिविंग टू द सिस्टम। मान लीजिए कोई एक सिस्टम है जिसको हमने क्यू हीट जो है वो हम दे रहे हैं, कोई एक सिस्टम है इसको मान लीजिए क्यू हीट दे रहे हो, तो ये जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट है ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है।
पहला पार्ट जो है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आता है और दूसरा पार्ट जो है वो कुछ वर्क करने में काम आता है. सपोज वी आर गिविंग क्यू अमाउंट ऑफ हीट टू द सिस्टम, दिस क्यू अमाउंट ऑफ हीट विल बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज यूजिंग विल बी यूजिंग फॉर इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड अनदर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एनर्जी विल बी यूजिंग फॉर डूइंग सम वर्क will be used to for doing some work. अब यहां पे कई बार confusion ये होता है बच्चों को कि this W will be positive or negative. Sign convention में बहुत ज्यादा problem होती है. Sign convention जो है numericals के point of view से बहुत important है कि आप ये W जो है वो positive होगा या negative होगा, कई बार confusion हो जाती है. तो इसको भी ध्यान में रखने के लिए एक चीज जो है समझ लेना चाहिए, साइन कन्वेंशन, कि आइदर दिस डब्ल्यू विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है किसी भी सिस्टम में, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, कोई भी ऐसी चीज जो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, तो डब्ल्यू पॉजिटिव होगा. और अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो डब्ल्यू नेगेटिव है. बस इस साइन कन्वेंशन को हमेशा आप याद रखिए. बहुत ज्यादा अगर कन्वेंशन आप कई सारे कन्वेंशन एक साथ आप ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. एक चीज आप याद रखो कि अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है सिस्टम में तो डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है डब्ल्यू पॉजिटिव, और अगर इंटरनल एनर्जी घट रही है W नहीं. बस इस साइन कन्वेंशन को हमें याद रखना. एनीथिंग विच विल बी इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इट विल डेफिनेटली कन्वर्ट W इनटू पॉजिटिव साइन. ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं. जैसे मान लीजिए सपोज देयर इज अ सिस्टम, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब वही सेम चीज है कि एक गैस सिलेंडर है जिसके ऊपर एक पिस्टन लगी हुई है और इस गैस सिलेंडर के अंदर गैस है. वन आइडियल गैस इज कैप्ट हियर. अब मान लीजिए सपोज इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर से हम लगाते हैं. अगर ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर हम लगाएंगे तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा. इन गैसियस मॉलिक्यूल के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो अंदर से जो इंटरनल प्रेशर है वो भी बाहर की तरफ लगने लगेगा. तो आप इसको ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि जब आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं तो जो गैसियस मॉलिक्यूल अभी तो न्यूट्रल पड़े हुए हैं, लेकिन जब आप उसके ऊपर प्रेशर लगाने लगते हैं तो जब बाहर से प्रेशर लगाएंगे तो जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगेगी. वो भी अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगाना शुरू करेंगे. तो जब उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तभी तो वो प्रेशर लगा पाएंगे. इसलिए जब हम प्रेशर लगाते हैं तभी उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है. तो इसका मतलब क्या है कि जब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है इस केस में हम लोग कहेंगे कि डब्ल्यू जो है पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि some work is doing on the system, on the system. ठीक है, work is done on the system. ठीक है, इस केस में हम लोग कहेंगे कि on the system काम हो रहा है, W positive होगा. बट इस केस में, इस केस का एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कॉफी मग है, इसमें कॉफी है और कुछ देर के बाद हम लोग देखते हैं कि कॉफी को अगर हम ऐसे ही रख दें तो कॉफी ठंडी हो जाती है. मान लीजिए सपोज स्टार्टिंग में इसके इसमें जो एनर्जी थी दैट इज 10 जूल और थोड़ी देर के बाद इसमें जो एनर्जी है वो 5 जूल रहेगी. तो 5 जूल एनर्जी जो है वो निकल गई, चाय ठंडी हो गई या कॉफी ठंडी हो गई. इसका मतलब क्या है कि इसमें से एनर्जी निकल रही है, इंटरनल एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है, लॉस्ट हो रही है. तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि द वर्क इज डन बाय द सिस्टम. ये जो है हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है और एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है. तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम. तो जहां भी कोई चीज कम होती है, लॉस्ट होता है, तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि डब्ल्यू जो है वो निगेटिव रहेगा, और जब कोई चीज एड हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे डब्ल्यू विल बी पॉजिटिव. रिलेशन बिटवीन हीट
एंड वर्क। हीट ऑफ वर्क में रिलेशन को समझना भी बहुत जरूरी है इस समय। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। जब भी किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा के उसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया जाता है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं वी आर डूइंग सम वर्क ऑन द सिस्टम। एफ इंटू एस, एफ को अगर हम दिखाएं तो एफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए, प्रेशर इंटू एरिया। फॉर वेरी स्मॉल क्वांटिटी पी इंटू ए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए इंटू डी एस। दिस ए इंटू डी एस विल बी पी डेल्टा वी, पी डी वी। फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल पी इंटू डी वी, दिस इज द मदर फॉर्मूला ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको एक चीज से हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो वर्क डन है, अगर मान लीजिए एक सिस्टम है हमारे पास जिसमें मासलेस मूवेबल पिस्टन लगी हुई है और इस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, इसके ऊपर कुछ प्रेशर हम लोग लगा रहे हैं। Suppose we are applying some pressure on this system. तो जब हम इसमें प्रेशर लगाएंगे ऊपर से, तो प्रेशर लगाने से क्या होगा कि पहले तो वॉल्यूम इसका है V1। जब आपने प्रेशर लगाया तो पिस्टन यहां आ गई मान लीजिए और इसका वॉल्यूम हो गया V2। तो ये जो dV है, dV का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, V2 माइनस V1। अब V2 है कम, आप देखेंगे जब आप ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो दिस होल टर्म विल बी नेगेटिव क्योंकि V2 इज लेस देन V1। यहां से अगर आप देखें तो ठीक है, तो हमारी जो साइन कन्वेंशन थी और इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। साइन कन्वेंशन हमने ये कहा था कि जब हम किसी भी चीज की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाते हैं तो W हमेशा पॉजिटिव होता है, वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन आप यहां प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगाने से इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है मॉलिक्यूल्स की, लेकिन फिर भी वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, तो या तो ये सही है या ये सही है। साइन कन्वेंशन हमारी ठीक है बिल्कुल। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्ट्राडिक्शन को दूर करने के लिए वी हैव एडेड और वी हैव मॉडिफाइड दिस फॉर्मूला लाइक दिस। So this is the right formula, dW is equal to minus P external dV। तो एक माइनस का साइन जो है वो हम लोग एडिशनली हम लोग इसमें डाल देते हैं ताकि अगर ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो वर्क डन हमेशा हमारा पॉजिटिव है। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला जो है वो ये है हमारा माइनस P external dV। So this is all about internal energy, first law of thermodynamics, heat, work, and all the basic terms which are very useful in thermodynamics। इन सभी terms को लेके हम लोग आगे second law of thermodynamics, entropy and spontaneous processes में हम लोग उनका इस्तेमाल करेंगे और basic concepts को समझने की कोशिश